न्यूज़, सच जरूरी है। यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर बुलढाणा जिले से सामने आ रही है। महाविकास अघाड़ी की जीत तय, पूर्व विधायक राहुल बोंद्रे का दावा। 5 अप्रैल को बुलढाणा जिले में कृषि उपज बाजार समिति के चुनाव हुए और महाविकास अघाड़ी ने इसमें 3 स्थान जीते हैं, जिसमें शिवसेना ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। बुलढाणा जिले के की शेष कृषि 5 उपज मंडी समितियों के लिए आज चुनाव हो रहा है। महाविकास अघाड़ी व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राहुल बोंद्रे विश्वास जता है कि इस कृषि उपज मंडी समितियों को हम जीत लेंगे। भाजपा विधायक श्वेता महाल ने विश्वास जता है कि जिला बैंक को डुबाने वालों के हाथ कृषि उपज मंडी समिति किसानों को कीचड़ नहीं देंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर सोलापुर से सामने आ रही है। बीमारी एंड्रोमेट्रियोसिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अनूठी फोटो प्रदर्शनी। दुनिया भर में 19 करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रभावित करने वाली बीमारी एंड्रोमेट्रोसिस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सोलापुर में एक अनूठी चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई। महिलाओं के गर्भाशय और मासिक धर्म से जुड़ी इस जानलेवा बीमारी के बारे में हमारे देश में पर्याप्त जागरूकता नहीं है, इसलिए विश्व प्रसिद्ध चित्रकार सचिन खरात और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदेश काड़े की अवधारणा से यह अनूठी चित्र प्रदर्शनी सोलापुर के पंडकुले सभागार में आयोजित की गई। इस चित्र प्रदर्शनी को देखने के लिए 22 जिलों की महिला पुलिस कर्मियों ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में भाग लिया और जल्द ही इन तस्वीरों को दुबई में भी प्रदर्शित किया जाएगा। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। यह खबर कल्याण से सामने आ रही है। कल्याण कोसेवाड़ी क्षेत्र में पुरानी विवाद को लेकर एक युवक पर हमला कर दिया गया। कल्याण कोसेवाड़ी क्षेत्र में एक डेवलपर के लिए काम करने वाले अक्षय शाहजी कवाड़े का 2 साल पहले उस समय झगड़ा हो गया था जब एक पत्थर उस पर टूट पड़ा था। इसी इलाके में रहने वाले मनीष चौहान ने कहा सुनी हो गई। इसी गुस्से को लेकर 29 तारीख की रात करीब 2 बजे अक्षय अपने दोस्त अविनाश झा के साथ अधिवली ढोकली जा रहा था, तभी मनीष चौहान व 3 अन्य लोगों ने उसे रास्ते में रोक लिया और तलवार से हमला कर दिया। इस मामले में 4 खंजीर उप कुलदीप, राकेश हाजरा, मनीष चौहान, मुकेश हाजरा को कोसेवाड़ी थाने में पेश किया गया। कोसेवाड़ी पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।